चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ सरफेस, द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। देखो अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का रेडियस आर है, कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का, ठीक है, इसको इस लेवल से उठा के यहां तक आप ले गए, ठीक है, एच हाइट तक, तो जनरली इसमें जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है एम जी एच अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर के इक्वल होती है। तो एच की वैल्यू क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एच की वैल्यू आर के इक्वल है, बोल रहा है ना, द हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, एच इज इक्वल टू आर। तो यही जो वर्क डन की वैल्यू होगी जो क्वेश्चन में कह रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन होगा, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी आर डिवाइडेड बाई वन प्लस आर अपॉन आर, तो आर और आर कट जाएगा, वन आएगा, तो ये आ जाएगा एम जी आर डिवाइडेड बाई टू। तो कौन सा ऑप्शन हुआ सही, एम जी आर बाई टू, ये वाला पहला ही ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।